नमस्कार सभी को मेरा, मैं लोक सामना न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। मैं आज आपको लेकर चलूंगी मुलुन में, जहाँ के बहुत ही भव्य सा आयोजन हुआ है। स्टार एस्ट्रो का बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन हुआ है, जो कि राजू भाई ठक्कर जी ने कंडक्ट किया है, जहाँ पे जाने माने शहर से बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, वास्तु कंसल्टेंट आए हुए, न्यूमरोलॉजिस्ट आए हुए, टैरो कार्ड रीडर आए हुए हैं, पामिस्ट्री आए हुए, फेस रीडर आए हुए, एनर्जी रीडर आए हुए, अलग अलग प्रांत से अलग अलग विद्या के जानकार लोग यहाँ पे आए हुए। और आप देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे लोग आए, अपना अपना भविष्य बताने के लिए आए हुए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि राजू भाई ठक्कर जी ने बहुत ही अच्छा सम्मेलन रखा हुआ है, जहाँ पे आज की दुनिया में लोगों के पास, जिनके पास अगर पैसा नहीं है, तो वो फ्री में अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपने अपने कष्ट का निवारण कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को अलग अलग क्षेत्र के लोगों के पास यहाँ पे रेमेडीज दी गई। एनर्जी स्कैनर के लोग यहाँ पे आए हुए थे, जेम स्टोन्स थेरेपी वाले आए हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। और हम देख सकते सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे बहुत खुश लग रहे थे, सब ने पूरा दिन बहुत ही एंजॉय किया। काफ़ी सारे जो लोग आए थे यहाँ पे एग्जीबिशन में घूमने के लिए, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और सभी ने अपने अपने बारे में भविष्य जाना। और ओवरऑल यहाँ का इनका एग्जीबिशन बहुत ही शानदार भव्य रहा। हम तो कहेंगे कि ऐसे ही एग्जीबिशन होते रहने चाहिए, कि लोगों को अपने भविष्य के बारे में पता लग सके। जहाँ पे जिनके पास पैसा नहीं है, वो बिना पैसे भी अपने भविष्य के बारे में जान सके। हमने मुलुन के अंदर कई सालों से रहे हैं और हमने आज जो प्रोग्राम रखा है, लोगों की भलाई के लिए रखा हुआ है, जिसका हमसे होता है उसका हम करेंगे। लेकिन आज मैं आपको स्पेशल बात कर रहा हूँ, जो मास्टर पॉइंट है, जो लोग कहते हैं मंदिर है, वो फ्री है, मंदिर है, वो ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि आज की तारीख में भी बड़े बड़े चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर आप प्लीज बताइए आप क्या करते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शरद भाई जाधव है, मैं एस्ट्रो बजर हूँ, चलाते हैं। आप मुझे भी प्लीज गाइडेंस देना वास्तु के बारे में, बताना चाहोगे। हाँ, वास्तु
मैं वास्तुदेव सत्य रहने को बात कर रहे थे 9/9 हाँ तारीख बोलो अरे तारीख हाँ रियली नाइस यहाँ पे सब एक से एक महादेव जी बैठे हुए तीन दिन को वास्तु और मंदिर वगैरह भी बताते हैं सर आप कुछ रेमेडी बताना चाहोगे किन दर्शकों को बताना चाहोगे वास्तु के बारे में और जहाँ से कट होता है ना आजकल कट बहुत होता है तो उधर कॉपर का तार स्क्वायर करने का और डिवाइड करने का उम्र के ऊपर कॉपर का तार होता है हिमाचल का यही करोगे ना तो घर में सुख का चालू हो जाएगा तो देखने के लिए बहुत ही वंडरफुल और पैसा नहीं आ रहा है तो सैटरडे के दिन पे समुद्र का पानी ला के उसको पोछा मारना चाहिए ताकि काम धंधा चालू हो जाए कैसे होता है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा मैं और एक सर पूछना चाहूँगी मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे लोग आते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं वो कहते हैं पैसे तो आते हैं लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा मतलब कर्जे में लोग डूब रहे हैं आजकल आपके एक्सपेंसिस इतने बढ़ गए हैं तो बहुत ज़्यादा कर्जे हो रहे हैं तो क्या उनमें बाकी कुछ वगैरह भी कहीं नहीं शॉर्ट रेट में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है वेस्ट डायरेक्शन में उनका प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए तो कुछ रेमेडी सिंपल में आप बताना चाहोगे दर्शकों को कार्पेट गलत रहेगा मुझे उनको तकलीफ होता है और वो जो जगह लेते हैं वो शुरू में वो एरिया उनको सूट होता है कि नहीं वो देखते नहीं ऐसे ही भाई साहब ने बोला ये इधर खाली है आ जाओ वैसा नहीं है उसमें उनका नाम उनको कितना फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो देखना चाहिए वो कोई देखते नहीं कर्जे में ज़्यादा लोग साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उसका रेमेडी करना चाहिए लीड के पिरामिड डालना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा और पैसे का बचत का जो स्थान है पैसा टिकना चाहिए वो साउथ वेस्ट उसको स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा बेसिकली साउथ वेस्ट को तो आप सभी को अगर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो सर आपका नाम या आईडी कुछ बताओगे आप या तो आपका नाम और नंबर आप बता दो स्क्रीन हमारा चौक चलो आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बैठे हुए मैम प्लीज़ आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं मैं कुमार सिन्हा एनालिसिस करती हूँ 1000 रुपये एनालिसिस करती हूँ एक्सपोर्ट में मुझे अवार्ड मिल चुकी है आपके बहुत जगह मुझे अवार्ड मिला है वाह दैट्स रियली नाइस सो रुमा जी मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सो मैं क्या फर्नीचर करनी होती है नेचर से मैंने सबसे आपकी पर्सनल का सब कुछ बदल दिया क्या आप मुझे बता सकते हो आप क्या मुझे आइए दर्शकों जी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डेमो ले रही हूँ तो आप सभी को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा तीन बार आप देख सकते हो यहाँ पे एक से एक व्यक्ति आए हुए तो आप लोग नेक्स्ट टाइम में विजिट नहीं करना है आइए मैंने यहाँ पे भी सभी चीज किया हुआ है तो हम जानते ही इनके क्या ओपिनियन है और आप सभी को अच्छा लगे तो आप भी आना और इनसे मेंशन जरूर करें आपको क्या जानना है अपने बारे में पॉजिटिव सुनना है कि नेगेटिव सुनना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही क्योंकि अगर नेगेटिव कोई चीज़ है तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा तो बहुत ही अच्छा होगा पॉजिटिव तो हर बोल रहे हैं चाहे नेगेटिव भी आप बता नेगेटिव पहली बात आपको बहुत काटती हूँ खुद के ऊपर बहुत परेशानी है उसको आगे लेके जाना है ये आपको सोचना है कैसे आगे बढ़ना है खुद के ऊपर इरिटेशन बहुत ज़्यादा है ये आपकी बहुत बड़ा मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मतलब क्लियर है या कन्फ्यूजन है या क्या कहना चाहते हो क्लियर नहीं है कन्फ्यूजन नहीं है इरिटेशन है क्या है इरिटेशन है उसके ऊपर इरिटेशन है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे अच्छा मतलब टेंशन है या फिर कैसे बढ़ना है आगे थैंक यू सो मच और आगे पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव घर में कोई बीमार है अभी
अपने बिजनेस नुस्खा में बहुत सोचती हूँ आगे ग्रोथ के बारे में, आगे क्या सोचती हूँ दो तीन मंथ और इसमें मुझे मतलब जैसे मैं अभी हर किसी को एक इच्छा रहती है आगे आपको मेरी सब्जी छोटी की क्या लग रहा है, इससे कुछ लग रहा है और कुछ चेंजेस की जरूरत है? नहीं, यू आर पॉजिटिव थिंकर, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन, यू हैव विल पावर आल्सो. थैंक यू सो मच. तो आपने सभी ने देखा, इन्होंने इतनी अच्छे से इन्होंने मेरे जस्ट एक साइन पे ही इन्होंने मुझे बता दिया. सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे इनका सभी का इंटरव्यू देने के साथ साथ मुझे अपने बारे में भी लोग बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो आप सभी यहाँ पे मिस नहीं करना, जरूर आना. और इनसे भी आप कंसल्टेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका बोर्ड लगा हुआ है और मजे से जरूर इनसे कंसल्ट करना. अगर आपको सीबीच एनालिसिस करवाना, ग्राफोलॉजी करवाना, तो प्लीज़ रिपोर्ट है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अभी मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, मैंने सभी के इंटरव्यू लिए और यहाँ पे मैं आके बैठी. यहाँ पे बहुत ही स्पेशल मैंने देखा है, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है जो अपने पुरानों से चलती आई है. इट्स नोन एज रमल शास्त्र. तो यहाँ पे ये जो मैडम बैठे हुए, इनसे मैं पूछना चाहूँगी, मैडम जी आप प्लीज़ बताइए. हाँ हेलो, बात कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं आती. मैं डॉक्टर मीना होता, आपके बच्चों में रमल शास्त्र के बारे में आज मेरे से ये फेब्रुआरी मंथ कैसा जाएगा, मेरे से नहीं हर्षिता मैं बोल चुके कारण मेरे सामने प्रेस रिपोर्टर जितना डॉक्टर जितना देखता है, तो मैं उनसे ही बोलती हूँ कि मुझे एक कार्ड पेज के दीजिए तो मेष राशि से कनेक्टेड हूँ. और मेष राशि का ये फेब्रुआरी मंथ कैसा जाएगा वन कार्ड दीजिए. अभी मैं आपको बता रही हूँ जमा और मेष राशि कोई घर लेने के बारे में सोच रहा है या तो कार लेने के बारे में सोच रहा है या तो उसके माता के बारे में सोच रहा है. जो भी कार्य करने वाले हैं वे बार उनका कार्य होने वाला है और उसको आगे जाके घर भी ले सकते हैं. शादी है 2020 में और फेब्रुआरी मंथ में उसका ये काम खत्म हो जाएगा और उसके लिए और उसका लकी नंबर है 4 और उसका कलर है ब्लैक पर्पल या तो ब्लू. अभी सेकंड राशि वृषभ राशि आ रही है, तो वृषभ राशि के लिए रमन शास्त्र में क्या है, तो वृषभ राशि में अंक 7 नंबर यानी जाए जीवन के अंदर. तो आप पत्नी हो तो पति के बारे में सोच रहे हो, पति है तो पत्नी के बारे में सोच रहे हैं और जहाँ जीवन में वो कैसे आए बिजनेस में वो सोच रहे हैं. अंक सीखा रहा है 7 नंबर शनि का आ रहा है और जिसके रमन शास्त्र है वो उनके 7 नंबर आगम में आ रहा है, तो उसमें वो हो जाएगा उनका काम. पॉलिटिक्स में है तो वो उनमें भी वो आगे आ रहे हैं. मिथुन राशि 3rd नंबर मिथुन राशि 16 नंबर का भाव आ रहा है, तो 4-8 बार से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशि. तो चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, 4 नंबर यानी घर कार और उनके बारे में आ रहा है. और 8 नंबर का भाव है कि किसी को वास्ता मिल रहा है उनको, या तो 12वां नंबर से कनेक्टेड तो फॉरेन भी जाएंगे. और ये नंबर है 16 नंबर तो 1 और 6 नंबर उनका लकी नंबर है और ये भी 37 है तो वो भी लकी नंबर है और इनके फुल फीस शुरू हो गई. मिथुन राशि के बाद कर्क राशि आ रही है, कर्क राशि का भविष्य देखा रहेगा. कर्क राशि में दूसरों से खारिज जा रहा है 10वां नंबर, तो 10वां नंबर जो बिजनेस के लिए कनेक्टेड है तो वो उनका काम ये काम हो जाएगा. लकी नंबर 1 है और सूर्य का जो आ रहा है तो येल्लो कलर पहनने से उसको ज़्यादा मेहनत होगी. कर्क राशि के बाद सिंह राशि आ रही है, तो सिंह राशि का भविष्य अच्छा है. सिंह राशि के लिए बया 9 नंबर आए, 9वां भाव से कनेक्टेड है तो 9 नंबर उनको फिलफिल हो रही है और वो घूमने के लिए बाहर भी जाएंगे, धर्म यात्रा भी करेंगे और जो भी विषय है वो उनकी फिलफिल होने लगे. सिंह राशि के बाद कन्या राशि आ रही है, कन्या राशि का देखना है. कन्या राशि में 11 भाव मुद्दा तुल दाखिल, तो 11 नंबर उसका 11 नंबर मनी के कनेक्टेड लाभ, तो वो उनको लाभ मिलने वाला है और कहीं से भी पैसे आने वाले हैं और बिजनेस में उनकी बहुत तरक्की होगी. और 11 नंबर तो वो उसका अच्छा जाएगा, 11 नंबर 11 और टोटल 2 नंबर आ रहा है.
14 नंबर आ रहा है उस बटन जाते हैं, तो उसका 2, 6 और 10 से कनेक्टेड हो रहा है, तो 2 नंबर उसके कहीं नहीं है, कोई बीमार नहीं था, और यह तो उसका फोर्थ केस का मैटर होगा तो वो प्रॉब्लम होगा, तो वो 10 नंबर है तो वो अभी उनका क्लियर होने जा रहा है, तो आप खुशियाँ अपना और पार्टी की तरफ जाना अच्छा होगा। तो नंबर 1 और 4 में उसे कंफ्यूज हुआ है के बाद लंबी राशि के लिए फेब्रुआरी तो पर शुक्र आराम और पांचवा भाव यानी संतान के घर के पूजा करने की वो भी है जो स्पोर्ट्स से मार्केट में काम करते हैं, तो वो उनका उनके लिए 50-50 रहेगा, नो लॉस नो फायदा बेनिफिट। तो जरा क्या आपके 5 नंबर है तो ज़्यादा आप ज़्यादा लॉस न करेंगे, मार्केट में न काम करें, थोड़ा लॉस जा रहे थे धनुराशि के लिए फेब्रुआरी मंथ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, 14 नंबर 2 से 10 से कनेक्टेड हो रहा है, फैमिली से कनेक्टेड, और 6 नंबर और उसमें भी कोर्ट कचहरी और नौकर चाकर या तो आपने जिसके पास से भी पैसा उधार लिया उनका भी है, तो ये सब प्रॉब्लम आपका क्लियर होने जा रहा है 14 नंबर में, तो ये बार आपका क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 1 और 4 इसी पॉइंट के पास धनु राशि के बाद मकर राशि आ रही है, मकर राशि के लिए फेब्रुआरी मंथ का अच्छा 9 नंबर आ रहा है, तो धार्मिक यात्रा करेंगे, चंद्र माता के साथ माता को घुमाने ले जाएंगे, माता को देख जुड़े आपका जो भी काम अटका हुआ है वो हो जाएगा और आप वहाँ पे भी हो जाएंगे, आपका शायद घर चेंज हो रहा है और आप कहीं और घर लेने जा रहे हैं दूसरे देश में, लेकिन नंबर आपका 9 है। अभी आप मीन राशि के ऊपर, मीन राशि फेब्रुआरी मंथ आपका कैसे उस पर दाखिल आ रहे हैं 14 नंबर, तो इससे भी 2 सेट है, अभी हमने देखा कि 2 सेट का ज़्यादा हो रहा है, तो कुटुंब फैमिली और कोर्ट के घरों पर रोक मामा चाचा काकू किसी का भी कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है तो वो भी सोल्व होने जा रहा है, तो आप टेंशन लेंगे और आपका बहुत ही दुर्घटना है, तो आप बिना कपड़ा पहन के गए तो आपका बेनिफिट होगा और बहुत ही सुंदर आपके लिए प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच बहुत ही अच्छा लगा आपने फेब मंथ के बारे में सबके बारे में आदि अभी शास्त्र के ऊपर जो भी हाथ में मुझे का कोई भी नहीं कर रहा है बहुत ही नया है बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, तो हिना बहन जी मैं भी बहुत आकर्षित हो रही हूँ, तो आप प्लीज़ अभी मेरे बारे में बताइए, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना आपको, मुझे अभी पूछना है मैं घर भी हमको घर लेने का घर लेना मुझे एक लेट पर जाती जा रहा है 2-6 तक, तो आपको अभी घर के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी ही आपका विश पूरी होने वाली है, 14 नंबर आ रहा है, थोड़ा 1 महीना जाने तो बाद में हम कॉन्टेक्ट करके में ही आपका घर हो जाएगा, 4 नंबर घर का भी है और 1 नंबर सूर्य का है, तो सूर्य के कनेक्टेड हो रहा है, तो इसके लिए आपका बुध भी आ रहा है, 1, 4 और 5 आपके लकी नंबर भी और आपका बुध पूरा हो जाएगा, आपका नया घर होने वाला। हिना बहन मुझे सच्ची में इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा जब आप मकर राशि के बारे में बता रहे थे, मेरी मकर राशि है तभी भी आपने घर के रिलेटेड कुछ बताया, उसके बाद और भी बात पक्की हो गई जब मैंने अभी कार्ड निकाला आपने बोला घर हो जाएगा, तो आई एम रियली वेरी मच हैप्पी हिना बहन जी, हो सकता है कि मैं भी आऊँ आपके पास सीखने के लिए इसका लाभ लेने के लिए, तो आप प्लीज मुझे भी जरूर सिखाना, थैंक यू सो मच, आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप कुछ और बताना चाहोगे? डॉक्टर हिना ओझा शांति वाली से बात कर रही हूँ और मैं ये सब वर्कशॉप पढ़ लेती हूँ और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो सेमिनार भी लेते हैं, तो सब सेमिनार होता है, मेरा नंबर है 9800692303, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।